एससीओ बैठक के लिए भारत की तरफ से हिस्सा लेने पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को जाना था, अब वो वहां पहुंच गए और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए भारतीय विमान से पाकिस्तान की धरती पर उतरते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की। जी हाँ, एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, जैसा कि हम सबका अनुमान था कि कोई बड़ा मंत्री अधिकारी नहीं आएगा, तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने एक अधिकारी को उनको रिसीव करने के लिए भेजा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर को रिसीव करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से रेड कार्पेट भी बिछाया गया। और ये देखिए तस्वीरें, क्या स्वैग से चलते हुए भारत के विदेश मंत्री नजर आ रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस वॉक है वो किसी भी दुश्मन के हौसले को धराशायी कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका जो त्यारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो बड़ा थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया। आप यकीन से कहते हो पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, हाँ। राहदारी तो खोलते नहीं है, हाँ। आप यकीनदारी से कह सकते हो रूस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं, मुश्किल। तेल तो ले नहीं सकते उनसे, हाँ। ईरान से गैस तो ले नहीं सकते, हाँ, ठीक है। जो हम सहाय ममालिक हैं बॉर्डर नहीं खोल सकते, वो खोल नहीं सकते। टमाटर इंडिया से ले नहीं सकते, प्याज वहां से ले नहीं सकते, हाँ। चीन से वो आपसे नाराज हो के तकिया रख के सो गया है, हाँ। वो आपसे काम करना राजी नहीं है। रशिया के साथ इंडिया तजारत कर सकता है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें अमेरिका ने मना किया हुआ है। हम जब तक अमेरिका की गुलामी से नहीं निकलेंगे, हम इधर ही रहेंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ के संस्थान अध्यक्ष के 23वीं बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। शंघाई सहयोग संगठन के लिए बैठक शामिल होने के लिए भारत विदेश मंत्री 9 साल में पहली बार पाकिस्तान पहुंचे। भारतीय विदेश मंत्री का यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि किसी भी पड़ोसी देश की तरह भारत पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाने चाहेंगे, लेकिन यह सीमा पर आतंकवाद की नज़रअंदाज करके नहीं हो सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डिनर के आयोजन करेंगे और इसके साथ एससीओ की समिति में शुरुआत होगी। पिछले कई वर्षों के दिनों में पड़ोसी देश के बीच संबंध में जारी तनाव के बीच भारत का और से पाकिस्तान की ये पहली उच्च स्तरीय बैठक है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है, उनका क्या कहना है। लाइव मनाजे नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दुनिया की बड़ी लीडरशिप आती हुई दिखाई दे रही है। चाइना का प्राइम मिनिस्टर 11 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं। इंडिया की लीडरशिप की बात करें तो 9 साल बाद 2015 के बाद पाकिस्तान में मौजूद है। रशिया के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, रशिया से 76 मेंबर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इस्लामाबाद का जरा समा देखिए, इस्लामाबाद को कितना खूबसूरत सजाया गया है। शहबाज शरीफ वजीर आजम की बात करें तो वजीर आजम हर डेलीगेशन को खुद रिसीव करने जा रहे हैं। इस वक्त एससीओ समिट पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की नजर इस वक्त पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीन, रशिया, अमेरिका तीन बड़ी सुपर पावर जो है इस वक्त जो है एससीओ समिट के लिए मौजूद है। हम रोड शो पे निकल रहे हैं, राइट साइड पे भी ऑडियंस का तूफान है और लेफ्ट साइड पे भी। इनसे जबरदस्त बात करते हैं, क्या लग रहा है जी 27 साल के बाद हमारे नसीब में ये दिन आया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये बहुत अच्छी बात है, हाँ। कि हमारे मुल्क में ये इस तरह का इवेंट हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, इससे हमारे जो है मुल्क और ज्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि अगर हमारे हम सहाय ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, हाँ। तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। क्या लेने आए हैं, क्या करने आए हैं, आपको पता है क्या करने आ रहे हैं? ये आप क्या हम इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है। आप यकीन से कहते हो पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगा? राहदारी तो खोलते नहीं है, आप यकीनदारी से कह सकते हो रूस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं, मुश्किल। तेल तो ले नहीं सकते उनसे, ईरान से गैस तो ले नहीं सकते, जो हम सहाय ममालिक है बॉर्डर नहीं खोल सकते, वो खोल नहीं सकते। टमाटर इंडिया से ले नहीं सकते, प्याज वहां से ले नहीं सकते, चीन से वो आपसे नाराज हो के तकिया रख के सो गया है, वो आपसे काम करना राजी नहीं है। क्यों नहीं राजी? क्योंकि इसके पीछे कुछ और है। कौन है, कौन है? मोदी, मोदी की एक स्टेटमेंट है आज भी जो है ना सारे लोग जानते हैं, मोदी की एक स्टेटमेंट अभी भी है। क्या
उसने मुसायम वाल को पूछा जाके कि मैं पाकिस्तान के साथ तजारत करना चाहता हूँ, इमरान खान के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। इमरान खान ने कहा कि मैं इनके साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोदी ने बात जाके अपने मुल्क में कही कि मैं जाके एस्टेब्लिशमेंट से कारोबार करूँ या इमरान खान से बात करूँ। ये तो उनकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में बात किससे की जाए। हाँ, किससे की जाए, ये बात है, ये स्टेटमेंट है। ये मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान की कौम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की कौम चाहती है वो क्यों नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? फॉरम 47 वाली आके बैठ गई है डॉक्टर तरुण कादरी की। आज मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, ये गंजे जो है ना, गंजे नवाज शरीफ है, जो टगे की है, जो मैडम आके बैठी हुई है, जो साथ लेके कनीजे बैठी हुई है, आहो नहीं आहो वाली, ठीक है। तो कहता था ये पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़े सख्त लफ्ज यूज कर रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट है? कौन सी गवर्नमेंट की बात? कौन सी गवर्नमेंट? अभी जो वज़ीर-ए-आज़म रेड कार्पेट पे, आप टॉपिक से, एक मिनट, उनको शौक है, मुझे बात, उनको शौक है, मैं कह रहा हूँ उनको शौक है। वो हेलीकॉप्टर हमने वो भी देखे हैं जब मोटरवे पे गाड़ियां जाती थी, ऊपर से फूलों की पंडे आती थी इनके ऊपर, इनका शौक है, चस भरा हुआ है। मेरी बात सुने, इंडिया की आपने बात की, मोदी की आपने बात की, देखिए आपने खुद ही शुरू की, मैं इसी टॉपिक पे आने वाली थी। एस जयशंकर 9 साल के बाद इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। सर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हमारे सियासतदान कह रहे हैं हो गए बात करेगा ना, वो है ही नहीं यार। मैंने ऐसा मुंह फेर लिया, फिर मैंने कहा वो कौन सा नमूना एस्टेब्लिशमेंट में आज जोड़ते हो, खुदा के वास्ते ये कौन सा नमूना हमें दे दिया? तो अच्छा आपसे भी बात करके पहले इनसे बात करें। देखें इंडिया कह रहा है मैंने पाकिस्तान से बात नहीं करनी, हम तो एसईओ समिट के लिए जा रहे हैं जिसका हम हिस्सा है। मेरी बात सुने, हम हमारी जो आवाम है या हमारे सियासतदान, वो कहते हैं कि बात करें इंडिया से, करें कि हमारे साथ दो रिश्ता ताल्लुकात जो है बायलैटरल टॉक्स का आगाज करें ताकि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो। 6-7 मुलाहार है ना, मैं तुम्हें सीधी गल दसा, 6-7 मुलाहार है, 56 की कोई गल नहीं, 7 की बहुती गल है। मैं तुम्हें गल दसा, जो 7 आ रहे ना फॉर्मेलिटी पूरी करके गोंगलों की मिट्टी झारन आ रहे हैं, आई समझ? जो चीन है ना हमारा, जो बचपन का दोस्त है, वो नहीं इनके साथ चलेगा, क्या कर रहे हो? चीन कह रहे मैं बायलैटरल टॉक करूंगा शबाशी से, चीन तक गवादर का एयरपोर्ट ही रोक रहे हैं, उसको बोलने ही नहीं आता प्राइम मिनिस्टर को, बोले है ही नहीं पहले नंबर। तो मैं गलत, सॉरी, डॉक्टर एच जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर शबाशी बैठते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? कोई नहीं, वो कहता मैं इधर को मुंह फेर लूंगा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आपसे भी बात करेंगे सर। हाँ, हम ना वेलकम करते हैं जो भी ममालिक हमारे मुल्क में है, लेकिन हाँ, मैडम मैं आपको बात बताऊँ, उनको भी पता है कि यहाँ पे जो हुकूमत है वो एस्टेब्लिशमेंट की है, ये सारे मैम 47 वाले 17 सीटें लेके आए हुए हैं। मैडम लोग बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मुल्कों ने तरक्की किया, उनको सबको पता है, बिल्कुल ठीक बात है, वो जस्ट फॉर्मेलिटी मैडम पूरी करने के लिए आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त बाहर से लीडरशिप आई है वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी इम्पोर्टेंट दो पड़ोसियों की बात करें, चीन तो हमारा दोस्त है, ये सो कॉल्ड के वो हमारा दोस्त है, ठीक है, हमें पैसे भी देता है, चीन हमें गन्स भी देता है, ठीक है, लेकिन हमारा इस वक्त फोकस सिर्फ डॉक्टर एच जयशंकर पे है। मैं शक्ल शुकल ना, टाटा कंपनी ने 136 अरब डॉलर की अपने मुल्क 2036 तक इन्वेस्टमेंट की, 176 जहाज ने, 76 एयरपोर्ट ने, उस तो अलावा पता नहीं की कुछ है, ठीक है, खाली टाटा कंपनी 176 अरब डॉलर की ला गई, 1 अरब डॉलर वास्ते रोंदे फिरदे ने, लंबे पै गए IMF दे के, माई बाप भी मर जाता, फिर कल उल्टियां सीधी हो गई। बड़ी अच्छी हो गई, हमें IMF ने भी लोन दिया है, चीन ने भी अपना बड़ा चंगा काम कर लिया, मुबारक हो रही जी, मुबारक, तुम लोन तुम किश्तों की चीज लै क्या, वो घर वाले तुम मुबारकबाद देंगे, माँ बाप तुम चंगा कहेंगे, कौन कौन आप बात करेंगे? हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की लीडरशिप इस तरफ आ जाए, इंडिया की, मैं उर्दू में, हाँ, मैं 2-3 लफ्जों में बात कर, क्या बात है आपकी 2-3 लफ्जों वाली? मेरी यही बात है कि हमारे जो मुर्शिद हैं PTI के इमरान खान सर, आप SEO पे बात करें, आप PTI, ये बिल्कुल बेफजूल है, इनका अपनी मर्जी का खाता है, ये अपने पेट भरने के लिए ये सारा प्रोग्राम जो है ना ये रचाया जा रहा है, ठीक है, और गरीब आवाम और पाकिस्तान की आवाम को कोई मुफाद नहीं हासिल होना, बस दो दो बात। अब टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा, कितनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है सर, आप बात करेंगे, आप रूस की बात कर रही हैं कि पहले नंबर पे तो इमरान खान साहब रूस गए थे पाकिस्तान की कौम के लिए, वहाँ से मैं गंदम लेके आऊंगा, मैं पाकिस्तान की कौम को सस्ती गंदम दूंगा, मैं पेट्रोल लेके आऊंगा, मैं पाकिस्तान की कौम को जो है ना सस्ता पेट्रोल दूंगा, ठीक है, तो ये लोग जो है ना रूस से तेल नहीं ले सकते,
ये लोग रूस से गंदम नहीं ले सकते, ये लोग, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये लोग जो है ना ईरान से जो है ना सस्ती गैस नहीं ले सकते, ये लोग जो है ना वहाँ से सस्ता पेट्रोल नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त एसईओ तो करवा रहे हैं ना, इस चीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। उपर, मेरी बात नोट कर ले, इसके ऊपर 1% भी अमल नहीं होगा, 1% भी इसके ऊपर अमल नहीं होगा। जो होगा तो मुझे बता देना कि हो गया तो मैं सलूट करूंगा। सलाम सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, होना ही नहीं है। पता नहीं आवाम इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कोई आए फिर मसला, कोई ना आए फिर मसला। तो उन लोगों पे रखी जाती है जो आवाम सिलेक्ट करती है, जिनकी जिसके ऊपर इत्माद हो, जिसके ऊपर यकीन हो, जिसके जो विजन तो हो, दे आवाम को, जिसने छोड़ दिया है आवाम को, जिसने जीने का हक दिया, जीना सिखाया जिसने, बस आवाम ने एक ही मोटो रखा सिर्फ। आपसे बात करेंगे, 27 साल के बाद इस्लामाबाद के अंदर जो है एसईओ समिट होने जा रहा है, अगर इस एसईओ की बात करें तो बहुत से लोगों ने, बहुत सी ताकतों ने कोशिश की कि ये ना हो पाए इस्लामाबाद में। जितनी दहशतगर्दी हुई, जितने अटैक्स हुए, जितनी स्ट्राइक्स हुई, पूरे पाकिस्तान को जंग में बदल दिया। आज अगर देखा जाए इंडिया भी आ चुका है, रशिया भी आ चुका है, चीन जो है 11 साल के बाद, इंडिया 9 साल के बाद, रशिया के प्राइम मिनिस्टर, किर्गिस्तान से इतने ज्यादा लोग आए, कितनी बड़ी तरक्की समझ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की। वर्ल्ड मीडिया में पाकिस्तान पाकिस्तान जिसको कोई कहते हैं ना कि नाम भी किस सबको लगता है हमें भूल गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी चीज है कि कुछ अच्छा हो रहा है हमारे मुल्क में, लेकिन दूसरी चीज ये है कि हमें देखना है कि 1996 में या 1946 में जापान पे हमला हुआ था, ठीक है, अमेरिका की तरह से आज जापान कहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। सही हो गया, हमारे मुल्क में सारी चीजें हैं। आज एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की है हमारे मुल्क ने मिलके, लेकिन ये जो सियासतदान है ये इनमें बात करने की पावर नहीं है, हिम्मत नहीं है। सही है। रशिया के साथ इंडिया तजारत कर सकता है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें अमेरिका ने मना किया हुआ है। हम जब तक अमेरिका की गुलामी से नहीं निकलेंगे हम इधर ही रहेंगे। सही है। हम इतने सारे समिट जो है आज करवा लिया, पूरा पाकिस्तान में बड़े बड़े तजारती लोग जो है सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, रशिया, चाइना कहाँ पे पहुंच गया। हमने उसको सबसे पहले तस्लीम किया था कि ये एक मुल्क है, हर मुल्क हम उनसे कर्जा ले रहे हैं। सर 15 और 16 अक्टूबर पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटीआई अगर अमीनपुर गंडा की बात करें, कल वो इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर जो है स्ट्राइक की बात करें, दुनिया को क्या तमाशा दिखाना चाहते हैं कि एक तरफ दुनिया की लीडरशिप आ रही है और बाहर जो है आवाम पत्थर बरसा रही है पुलिस पे, पुलिस आवाम पे बरसा रही है, और जी बाहर जंग हो रही है और अंदर हम जी मल्टीलैटरल टॉक्स कर रहे हैं। मैडम आप जानती हैं क्या पाकत है पाकिस्तान तरीके इंसाफ। मैं सिर्फ इमरान खान को लाइक करता हूँ, बाकी किसी को लाइक नहीं करता। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि कल आप सिर्फ उनका किस लिए वो कल आ रहे हैं, वो अपने लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि भारत पाकिस्तान के दौरे पर गया, यह बात भी बता दें कि दोनों पक्ष ने एनसीओ के शासन अध्यक्ष के शिखर सम्मेलन में शंकर जयशंकर के और उनके पाकिस्तानी समाज के अध्यक्ष के इसको डार के बीच किसी द्वितीय पक्ष वरत्ता से इनकार किया है। पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारत के आखिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। उन्होंने अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिसंबर 2015 में इस्लामाबाद की यात्रा की थी। पाकिस्तान के एनसीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे के न्योता दिया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एनसीओ के समिटी के लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा कर्मियों के होटल और उन स्थानों पर तैनात किए गए जहाँ प्रतिमंडल ठहरे हुए पाकिस्तान के सेना खुफिया एजेंसियों के रिटायर्ड कोर एफएओ के एजेंसी और कर्मियों भी तैनात किए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।